जिला तलवारबाजी संघ हमीरपुर में 22 सितंबर को जिला तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ दो मैग्नेट पब्लिक स्कूल के चेयरमैन अजीत सिंह चौहान के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 125 प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी विद्यार्थियों में इस प्रतियोगिता के प्रति भरपूर उत्साह देखने को मिला। इस प्रतियोगिता को तीन भागों में खेला गया। दो मैग्नेट पब्लिक स्कूल के चेयरमैन अजीत सिंह चौहान, प्रधानाचार्य अरुण चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवराज वर्मा, अनिल ठाकुर, दिनेश कुमार व मुख्य शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक राजेश ठाकुर का स्वागत किया। इन सब ने मिलकर राजेश ठाकुर को शॉल, टोपी तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का समापन करते हुए कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कई गेम्स लाने की कोशिश करेंगे। हमीरपुर में टाउन वेडिंग कमेटी का गठन नहीं किए जाने की वजह से रेहड़ी फेड़ी धारकों ने डीसी कार्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया। सीटू के बैनर तले हुए धरना प्रदर्शन के दौरान सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर, अनिल मनकोटिया, रेहड़ी फेड़ी यूनियन प्रधान ब्रह्मदास भी मौजूद रहे। डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने के दौरान प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और रेहड़ी धारकों को बिना वजह तंग करने का आरोप भी लगाया गया। रेहड़ी धारकों ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेताया है कि जल्द टाउन बेडिंग कमेटी का गठन नहीं किया गया तो सभी रेहड़ी धारक अपनी रेहड़ी डीसी कार्यालय में आकर खड़ी कर देंगे। सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि आज बिना टोकन की रेहड़ियां लगाई जा रही हैं और बिना मतलब की कमीशन की उगाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि टाउन एंड बिल्डिंग कमेटी का गठन आज तक नहीं किया गया है जबकि वर्ष 2014 से इसका प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मासिक किराए की बढ़ोतरी की वजह से रेहड़ी फेड़ी धारक परेशानी की दौर में है। उन्होंने कहा कि अभी तो रेहड़ी फेड़ी धारक सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ तो रेहड़ी फेड़ी धारक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमीरपुर जिला की सराहकड़ पंचायत के गांव करियाली की पूजा रांगड़ा चेन्नई में मिसेज इंडिया रनअप चुनी गई है। पूजा रांगड़ा का हमीरपुर पहुंचने पर होटल हमीर में स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पूजा रांगड़ा के पति सेना में कार्यरत थे और 2017 में सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। पूजा ने विकट परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखा और ग्रामीण परिवेश से निकलकर आज मिसेज इंडिया रनअप का खिताब जीता है। पूजा रांगड़ा का एक 4 साल का बेटा है और पूरे मॉडलिंग के सफर में परिवारजनों का सबसे ज्यादा सहयोग पूजा को मिला है जिसके चलते ही पूजा रांगड़ा ने खिताब हासिल किया है। पति की मौत के बाद पूरी तरह से टूटने के बावजूद भी ससुराल वालों का पूरा सहयोग मिलने पर मॉडलिंग में पूजा ने नाम कमाया है। पूजा की उपलब्धि पर ग्राम पंचायत के प्रधान दलजीत सिंह ने भी खुशी जाहिर की है। पूजा रांगड़ा ने कहा कि महिलाओं को हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए क्योंकि कामयाबी एक न एक दिन अवश्य ही मिलती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर चेन्नई में हुए मुकाबले में टॉप 5 में दूसरे नंबर पर रहने पर वे बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार मॉडलिंग में कुछ न कुछ जरूर हासिल होगा। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग के विद्यार्थियों ने विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन सप्ताह का शुभारंभ किया। समारोह के मुख्य अतिथि कुलपति एसपी बंसल रहे। डीन अकादमी प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने मुख्य अतिथि का स्वागत स्मृति चिन्ह देकर किया। मुख्य अतिथि ने सड़क सुरक्षा विषय पर जागरूकता रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया। तकनीकी विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग के विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा विषय पर जागरूकता रैली निकाली जो कि तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर से होते हुए बोटा चौक से हमीरपुर के ऐतिहासिक गांधी चौक तक निकाले गए। उसके बाद गांधी चौक पर नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया और समस्त लोगों को जागरूक किया गया।